भी चर्चा होती है, राजनीतिक लोग जब आपस में मिलते हैं तो मान के चलो हर बात के ऊपर चर्चा होती है। कोई हालात इस किस्म के बन सकते हैं कल को कि हम लोग इकट्ठा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सीबीआई का ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे कुछ विपक्ष कह रहे हैं, अगर अपनी पार्टी पे तो कभी कार्रवाई की नहीं, विपक्ष भी ज्यादा कह रहे हैं। जितना सीबीआई को ईडी को हमने भुगता है इस देश में शायद किसी ने भुगता होगा। सरकार ने जितना बड़ा दुरुपयोग इसका किया है, आने वाले समय में भाजपा के लोगों को इस ईडी का, इस सीबीआई का और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे बड़ा सामना इन्हीं को करना पड़ेगा। सत्ता किसी की बेपोती नहीं है, सत्ता बदलती रहती है, सत्ता बदलेगी और बदलेगी तो फिर इनके जो गलतियों के कारण हमने सजा को सबसे ज्यादा मिली है। नीतीश कुमार ने दो दिन पहले बयान दिया था कि भाजपा 50 सीटों पर सीमित कर जाएगी 2024 में। उन्होंने ठीक कहा है, अगर तीसरा मोर्चा बन गया तो ये 50 सीटों पर सिमट जाएंगे। अभी तक तो आरक्षण दिया नहीं ना, अभी तो कह रहे हैं कि बीसी ए का अलग करेंगे, बीसी बी का अलग करेंगे। बीसी बी और बीसी ए बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बैकवर्ड का आरक्षण सबको सम्मान रूप से मिलना चाहिए। ये विवाद कांग्रेस ने भजनलाल ने खड़ा किया था और आज उसका फिर कहीं ना कहीं विवाद में डालने के लिए बीजेपी ने इस तरह के काम किए। हम आरक्षण के पक्ष में है, आरक्षण मिले, 27% मिले, 27% का आरक्षण बैकवर्ड को दिया जाए। तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, आप स्टेट की बात करते हो, गठबंधन स्टेट में किसके साथ गठबंधन हो? ना तो हम बीजेपी के साथ जा सकते, ना हमारा कांग्रेस से हो सकता है और ना ही ये जो जेजेपी वाले इनसे बातचीत हो सकती है। इनसे तो बातचीत एक ही शर्त पे हो सकती है कि जाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से पहले माफी मांगे अपने करतूतों से जो इन्होंने गलत किया है, लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब जाकर के कोई इस बात पे विचार किया जा सकता। हमारे यहाँ के राव परिवार से आपके परिवार